जो पहली वीडियो आपने देखी थी, इट इज़ अबाउट द टेंपल मॉस्क एंड चर्च आर्किटेक्चर, और एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की एक अलग से स्लाइड है, ठीक है। ये आई थिंक 15 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो जल्दी कर लेते हैं इसको भी। देखो, इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म, अगर हम बुद्धिज्म बात करें तो ये नॉर्मली पाली लैंग्वेज में काम चलता था इनका। संस्कृत लैंग्वेज एक इलिट लैंग्वेज बोली जाती थी, और कॉमन मैन की जो लैंग्वेज हुआ करती थी पाली, और बुद्धिज्म ने यही चीज़ समझी, क्योंकि जो हिंदुज्म में चल रहा था लाइक एनकरेजमेंट ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, तो वे लोग क्या करते थे, हिंदुइज्म के अंदर संस्कृत प्रमोट करते थे। अब आम जनता को पता ही नहीं चल क्या रहा है, तो बुद्धिज्म ने क्या करा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़ी, दैट इज पाली। ऐसे जैन ने प्राकृत लैंग्वेज को कंटिन्यू किया। रिलीजन एंड द फिलोसफी एनकम्पसेस अ वैरायटी ऑफ द ट्रेडिशन बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस लार्जली बेस्ड ऑन टीचिंग एट्रीब्यूटेड ऑफ सिद्धार्थ गौतम। जो सिद्धार्थ गौतम की जो लाइफ के बारे में उनकी जो टीचिंग है, उन्हीं को बोला जाता है बुद्धिज्म। बुद्ध का मतलब होता है अवेकेंड वन, जो समझदार है, मतलब उसको जो जाग चुका है। बुद्धिज्म बिगेन एज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ द हिंदुज्म इन कंट्री ऑफ इंडिया। इसको हमने डिस्कस किया था मौर्यन वाली वीडियो के अंदर, लेकिन अभी छोड़ देते हैं। द फाउंडर ऑफ सिद्धार्थ गौतम, तो ये कहाँ पर हुए थे, नॉर्थ इंडिया के अंदर। अभी तो केपी ओली साहब बोल रहे थे कि नो, ये जो बुद्धिज्म है, सिद्धार्थ जी जो थे वहाँ पर, उनकी जो बर्थ हुई है नेपाल में हुई है, कुछ ही बोलते हैं अभी। खैर, इंट्रोडक्शन टू द बुद्धिज्म, द बुद्धा थ्री फोल्ड ट्रेनिंग इज सिमिलर टू द थ्री फोल्ड ग्रुप ऑफ द नोबल एट फोल्ड पाथ, मतलब वर्च्यू माइंड एंड विजडम। एक्चुअली देखो क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक फोर नोबल ट्रूथ हैं बुद्धिज्म के, फोर नोबल ट्रूथ, इनको पढ़ लेना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा लाइफ के बारे में, ठीक है। वैसे मैं बता चुका हूँ कुछ वीडियोज़ में, तो अभी हम टाइम नहीं लगाते हैं, फोकस करते हैं पढ़ाई के ऊपर। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है क्या, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट वर्शिप इज द स्तूपा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइमरी जो जगह है, जहाँ पर पूजा की जाती है, प्रे की जाती है, उसको बोलते हैं स्तूपा। मतलब माउंट शेप श्राइन विद नो इंटीरियर्स, तो बाहर से ही होता है, अंदर से कुछ नहीं होता है। जैसे आप टेम्पल में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, या मॉस्क में, ऐसा अंदर से नहीं हो सकता, बाहर से ही आप देखो और जाओ। स्तूपा इज ए रिलिक्वरी एंड वर्शिपर्स गेन स्पिरिचुअल मेरिट थ्रू बींग इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू इट्स कंटेंट। बुद्धिस्ट प्रे वाइल वॉकिंग अराउंड स्तूपा इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन, तो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, ईस्टर्न साइड में घूमते हैं, क्यों, डायरेक्शन ऑफ द सन कोर्स, जो सन का जो कोर्स है उसी के हिसाब से चलते हैं। सेंट्रल मेस्ट एट टॉप ऑफ स्तूपा विथ थ्री अम्ब्रेला शेप्स, तो जो तीन अम्ब्रेला शेप बनाई जाती है उनको छतराज बोलते हैं। ये सिंबलाइज करते हैं बुद्धा लो एंड कम्युनिटी ऑफ द मॉन्क, मतलब तीन त्रि पिताकस बोला जाता है, सोत पिता का, विनय पिता का, और अश्वधामा पिता का, तो उन्हीं चीजों को दिखाता है। द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हैज इट रूट्स डीपली इम्प्लांटेड इन द इंडियन सोइल, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा टीचिंग। तो ऑफ कोर्स इंडिया एक, अगर आपने कभी नोटिस किया हो ना, तो एक चीज देखना कि देर आर ओनली टू और थ्री फर्टाइल ग्राउंड्स जहां पर रिलीजन निकला है, मतलब कुछ ही जगह ऐसी है जहां पर डिफरेंट रिलीजन निकले हैं। जैसे पैलेस्टाइन वाला रीजन है, वहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि सिख वहां पर, लेट हो चुका है ना तो माइंड में नहीं चल रहा एक्चुअली, लाइक क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, जुडाइज्म वहाँ से निकला है। ऐसे इंडियन एक सब एक एरिया निकलता है जहाँ पर हिंदुज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, तो कुछ पर्टिकुलर रीजंस रहे हैं कि क्यों ऐसी जगह, ऐसा क्या था कि वहाँ से डिफरेंट रिलीजन निकले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इंडियन सबसे इंडियन लैंड से बुद्धिज्म टीचिंग क्यों एक बुद्धिस्ट रिलीजन निकल जाता है। एक्चुअली मेरा अभी वो फ्लो नहीं आ पा रहा है, तो आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, आप ही के लिए चल रहा है सब। द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सिंबल्स, तो क्या करते हैं वो, एक वेरियस सिंबल्स को प्रे करा जाता है। नॉर्मली जैसे हिंदुज्म के अंदर क्या था कि मूर्ति पूजा हो गई थी, तो उसके अगेंस्ट ये खड़ा हुआ था कि नहीं, हमें, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम सिंबल्स को पूजा करेंगे, उनके चप्पल हो गए, उनके लोटस हो गया, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए। इंडियन एम्परर अशोका नॉट ओनली स्टेबलाइज बुद्धिज्म एज द स्टेट रिलीजन ऑफ हिज लार्ज मगध एम्पायर, बट ऑल्सो ऑप्टेड फॉर आर्किटेक्चुरल मॉन्यूमेंट टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन द डिफरेंट प्लेस। और अशोका जो थे कलिंगा वॉर हारने के बाद, उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया उसको, ठीक है। ये तो फिलोसफिकल सेंस में हमने पढ़ लिया है, अब हम चीज़ जो पढ़नी है आर्किटेक्चर वाइज, जो आपके लिए काम की है, वो है द मेजर फीचर्स ऑफ दिस स्टाइल आर स्तूपास, स्तंभ, चैत्यास एंड विहारास। हमें चार चीज़ पता होना चाहिए, चैत्यास, विहारास कई बार बता चुका हूँ मैं, तो आप जानते हैं। स्तूपास और स्तंभ के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ेंगे। देर हैव बिन मेरे स्पेक्टेटर्स ऑफ डिफरेंट एराज क्वाइटली स्पीक्स अबाउट द फेज ऑफ द बुद्धिस्ट स्टैचूज।
बुद्धिज्म के दो पार्ट रहे हैं, हीनियन महायान। जो हीनियन है वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट रहा है, मतलब वो पुराने विचारधारा पर ही चलता हुआ है कि जो लिखा गया है जैसा चलता हुआ ऐसे ही करेंगे। और जो महायान रहा है वो थोड़ा चेंज हो गया है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ठीक है, और डिफरेंस क्या हो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए जो हीनियन जो रिलीजन रहा है, जो सेक्ट रहा है, एक्चुअली इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ सेक्ट ऑफ रिलीजन, तो वो ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया, ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट था उसको फॉलो करना। ठीक है, जैसे आपको जैन देखने को मिलता है, जैनिज्म, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको जो उसके हार्डकोर बिलीवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बुद्धिज्म का इंडिया, सीलोन, श्रीलंका को बोला जाता, श्रीलंका को सीलोन बोला जाता था, बर्मा मतलब म्यांमार का पुराना नाम, थाईलैंड, लाओस, यहाँ पर आप देखेंगे कि फिलीपाइंस, यहाँ पर पूरे साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इवन जापानीज के जापान तक भी पहुँच गया, कोरिया तक भी पहुँच चुका था ये। नॉर्मली जो बड़ी बड़ी कंट्रीज में बाहर गया वो महायान रिलीजन था। अब हम बात करते हैं सांची स्तूपा की। सो ये क्या है? इट इज़ सांची स्तूपा। तो आप देख रहे हैं अंदर कुछ इंटीरियर नहीं है, आप बाहर से एंट्री करते हैं, चादर घूमते हैं, दैट्स इट। तो जहाँ पर आप ये चीज़ देखिए, आपने कहाँ से एंट्री करते हैं, आप एंट्री लेते हैं जो आर्टिस्टिक गेटवे होता है ना, ये वाला, इसके आर्टिस्टिक क्यों, इसके ऊपर स्कल्पचर्स लगे होते हैं, यक्ष और यक्षिणी के फिगर्स होते हैं, तो उसको बोला जाता है टोरेंस, TORANS। ठीक है, चारों साइड होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड, तो फोर टोरेंस होंगे, चारों साइड से आप एंट्री कर सकते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है सेंटर वाला, जो ये वाला, इसको बोला जाता है स्तूपा डोम या फिर एग या फिर अंडा, ANDA। ठीक है, इसको अंडा भी बोला जाता है। फिर जो ये वाला पार्ट है हर्मी का, मैंने एक वीडियो में इसको कुछ और बोल दिया था, तो शायद किसी का कमेंट आया, एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है, एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, आपने मुझे बताया। सो ये क्या है? इसको बोलते हैं हर्मी का। ठीक है, और जो ऊपर ये होता है इसको बोलते हैं छतरास, और जो डंडा लगा होता है इसको डंडा बोल देते हैं या फिर इस्ती बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है इसमें और डिस्कस करने के लिए। अब आपसे यही पूछा जाएगा, हाँ यहाँ पर क्या होगा कि स्तंभ भी होता है, दिस इज़ अ स्तंभ जो डिसाइड करता है, जो इसे कैपिटल होता है वो डिसाइड करता है, लाइन स्तंभ है या फिर कि एलिफेंट स्तंभ है या फिर जो कुछ भी है। चत्यास का मतलब होता है एक प्रेयर हॉल होते हैं जहाँ पर सभी मॉन्क आते हैं और प्रे करते हैं। ठीक है, जैसे बमियान बुद्धा है, तो आप देखेंगे ये कहाँ पर है, बता सकते हैं कहाँ पर है ये कौन से कंट्री में है? इंडिया इज नॉट दी ऑब्वियस आंसर, इसका आपको मैं हिंट और देता हूँ, कौन सी कंट्री में है, वहाँ पर हिंद कुश माउंटेन रेंज है, तो सो समझ जवाब देना कमेंट सेक्शन। देखो जो स्तूपा बनाया जाता है, द स्तूपा इज अ माउंट लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग बुद्धिस्ट रिलिक्स। तो बुद्धिस्ट रिलिक्स मतलब हुआ क्या था कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी मरने के बाद उनको जो उनकी राख थी, एशेस थी, उसको आठ पार्ट में डिवाइड किया गया और वहाँ पर आठ स्तूपा बना दिए गए। और जो नोवा स्तूपा बना, जहाँ पर जिस वैसल के अंदर, जिस बर्तन के अंदर उनकी अस्थियाँ रखी हुई थी, उस वहाँ पर बना थर्ड वन। सो टिपिकली द रिमेन्स ऑफ बुद्धा यूज टू बुद्धिस्ट एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप। दिस स्तूपस आर दी सर्कुलर ट्रूवली बिल्ट टू दी अर्थ कवर्ड विद स्टोन, और ये सब चीज़ मिल जाओ, अभी इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। फिर एक आता है प्लान बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन बन सकता है सांची स्तूपा, तो पता होना चाहिए देर आर मेनली थ्री मेन स्तूपास जो आपको ये प्लान दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ टैंक भी है, आप यहाँ से टिकट एंट्री करते हैं, तो टिकट कियोस्क है और साथ में एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम होगा, बहुत ही बोरिंग सा बना के रखते हैं हम लोग म्यूजियम को, बट अगेन अगर आप कभी जाओ तो समझ टाइम निकाल के जरूर जाना, किसी म्यूजियम के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप यहाँ से एंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपको तीन स्तूपास देखने को मिलेंगे। स्तूपास जो मेन है उसको बोलते हैं द ग्रेट स्तूपा वन, फिर स्तूपास टू और स्तूपा नंबर थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में आपको यहाँ विहारस मतलब जहाँ पर वे अकोमोडेट करते थे, मोनेस्ट्रीज हुआ करते थे, अब हर जगह हर टाइम से ना प्रे करेंगे, कभी ना कभी तो रेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ टेम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, अशोकन पिलर्स भी अपने को यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेट सांची स्तूपा क्या है? द ग्रेट सांची स्तूपा इज इन सांची, इज अ ओल्डेस्ट टाउन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड वॉज ओरिजिनली कमीशन बाई द एम्परर अशोका द ग्रेट। ठीक है, इट्स न्यूक्लियस वॉज सिंपली हेमिस्फेरिकल, तो ये हेमिस्फेरिकल है, ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ड ओवर द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा, इट इज अ क्राउन बाई द छतरास, तो मैंने जो बताया था यहाँ पर सेम चीज़ है।
देर आर फोर प्रोफुल कर्व्ड ऑर्नामेंट। तो ऑर्नामेंटेशन गेटवे मतलब इनकी बात चल रही है जो ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं तोरंस। फिर आता है डोम, तो ये अपना देखा है डोम है, इसका साइज वगैरह है ये मैं वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लेना, एग्जाम के लिए कहीं से कहीं तक भी काम का नहीं है ये, आपसे नहीं पूछेंगे, बस आप प्लान समझ लो कि आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो, चार तोरण्स हैं यहाँ से एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर हर्मिका है और यहाँ पर छतरस है, तो और ये डोम आ गया, ये क्या है, ये प्लान बोलेंगे या फिर इसको टॉप व्यू बोलेंगे, क्या लगता है आपको, इसको हम प्लान बोलेंगे जो ये है, इट इज़ अ प्लान और टॉप व्यू, इट इज़ नॉट अ प्लान, इट्स एक्चुअली टॉप व्यू, ऊपर से आप देख रहे हैं, ठीक है, इट इज़ मोर एक्यूरेट। तो ये सेम चीज़ दिखा दिया, तोरण्स क्या होते हैं, तो एक एंट्री यहाँ से, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, एक पीछे चली गई होगी, हर्मिका, एग और अंडा, और उसको गेटवे है ना, आयरन लाइन पिलर, ये सब चीज़ आती हैं, ये कुछ देखने में ऐसा लगता है। सांची स्तूपा का जो है, यहाँ पर विहाराज हैं, मेन सांची स्तूपा बना आ गया, टू थर्ड इस तरीके से। तो ये डिफरेंसेस क्या होते हैं टेंपल स्तूपा के, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि टेंपल में क्या होता है, ये प्लिंथ होती है जिसको हम लोग जिगती बोलते हैं, आप एंटर करते हैं इसके ऊपर, गर्भगृह होती है, ये अंतराल होता है, ये मंडप होते हैं, महामंडप, मंडप, अर्ध मंडप, अमलका होती है, ये शिखर होते हैं, गर्भगृह होती है, ठीक है। और साउदर्न टेम्पल में क्या होता है, यहाँ पर इमेज होती है, गर्भगृह होती है, विमानस होता है, पिरामिडिकल, ठीक है, और यहाँ मंडप और प्लिंथ, जो साउदर्न टेम्पल होते हैं उसके ऊपर एनक्लोज वॉल भी होती है, जिससे आप एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं गोपुर। बाकी आप ये सब देख चुके हैं। तो अगर हम तोरण्स के बारे में बात करें तो ठीक है, ये कैसे होते हैं, देखो इस आर्टिस्टिक गेटवे क्यों बोला जाता है, बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तोरण्स द एंट्रेंस ऑफ द एम्बुलेटरी वर्क एक्सेप्टेड एज द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ द सेरेमोनियल पोर्टल्स एंड एक्सेल इन द एरे ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टेट्समैन। बस हो गया, अब मेरा भी मन नहीं है, एक्चुअली लैपटॉप भी इतना गर्म हो चुका है, आपको आवाज़ आ रही होगी बैक एंड पे, तो कर लेते हैं। फिर आता है अशोकन पिलर्स, तो दी ऑथेंटिक एग्जाम्पल ऑफ दिस पिलर्स आर दोज विच विद किंग अशोका सेट अप टू ए बेयर इंस्क्रिप्शन कन्वेइंग ऑफ इज सब्जेक्ट द लीडिंग डॉक्ट्रिन ऑफ इज अ न्यू फेथ। देखो हुआ क्या था, अशोका के बारे में अगर पढ़ोगे आप, तो मौर्य जो अशोका की जो कलिंग वॉर हुआ हुई थी, जीत तो गए थे वे, लेकिन अल्टीमेटली उनको ये लगा कि मैंने अपनी एक पर्सनल सेटिस्फाई करने के लिए ईगो को इतने लोग मारे गए, तो उन्होंने क्या कर दिया था, एक बुद्धिज्म अपना लिया था, और उनके जो बुद्धिज्म जो उनके धर्म बोला जाता है वो धर्म अलग चीज़ थी। उन्होंने एक ऐसी बात की कि कोई भी एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, चोरी डकैती नहीं करेंगे, या एक दूसरे प्यार से बात करेंगे ऐसे। तो ये जो स्तंभ हुआ करते थे, पिलर्स हुआ करते थे, वहाँ पर लिखा होता था कि ये फरमान जारी हुआ है, या उसको बोल देंगे गैजेटेड नोटिफिकेशन अगर हम आज की लैंग्वेज में बात करें, ये हुआ करता था। कितने हैं, 15 मीटर हाइट है, 24 स्पोक्स है, व्हील ऑफ द लो ये इसको बोला जाता है, ये टूट गया है जो हमारा जो ये वाला पार्ट है इतना, ये स्टेट एम्बलम में यूज़ किया जाता है, ना तो नीचे वाला है और ना ऊपर वाला है, ठीक है। फिर होती है जो रेलिंग होती है, और रेलिंग को ही वेदिका बोलते हैं। द वेदिका और रेलिंग कंसिस्ट ऑफ द अपराइट ऑक्टागनल प्लान 45 सेंटीमीटर इन डायमीटर स्पेस्ड ऑफ 60-90, किसी काम के नहीं है कितना। और मैं आपको सही बताऊँ, आई एम नॉट गुड इन रिमेंबरिंग द फैक्ट्स, मुझे ना तो अच्छा लगता है ये सब फैक्ट याद करना 45 सेंटीमीटर में, अरे क्या मतलब है यार इन सब चीज़ों का, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। द टॉप हॉरिजॉन्टल बार इज प्रोवाइड विद कोपिंग द ड्रेन आउट ऑफ द वॉटर। तो ये क्या होते हैं, एक बैलुस्ट्रेड की तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। धमक स्तूप है सारनाथ में, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये भी मैंने डाल दिया है, पूछा जाए तो बता देना। तो आई थिंक क्लियर है, चैत्यास विहारास क्या होते हैं, स्तंभ क्या होता है, और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। ऑल्दो हम बहुत जल्दी कर रहे हैं ये टॉपिक, इतने डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम 2-2.5 घंटे का वीडियो लिख सकते हैं पूरा अगर समझने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है, आई सपोज वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की आएगी, और अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी वो, मतलब मैं सो रहा हूँ यार, अब मैं सुबह उठूँगा तब बनाऊँगा, फिर आपको दोपहर तक मिल जाएगी, तो मेमोरी बेस्ड आएगी, और देखते हैं। देखो प्लान बेस्ड एक मुझे वीडियो में सोच रहा हूँ बनाने के लिए, कि आपके जो कमेंट्स आए हैं, कुछ बच्चों क्वेश्चंस हैं कि हायरार्की में और रिदम में डिफरेंस क्या होता है, मे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। या फिर एक मैं चीज़ और सोच रहा हूँ कि प्लान बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए वो बहुत आपको टाइम चला जाएगा, एक्चुअली वो टाइम है नहीं मैं आपको, और मैं आपको 2-3 मिनट के अंदर वीडियो बनाकर नहीं डाल सकता हूँ कि मैं छोटी वीडियो बना दी, मैं डिस्कस करूँगा तो फिर डिटेल में, उसका फ़ायदा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़ और लाइक्स के लिए मैं कुछ भी बना दूँ, तो उसका भी सोचेंगे।
और एक लास्ट मैसेज आपको मैं 2-3 मिनट की वीडियो, और तो कुछ बनता नहीं है उसके ऊपर बनाने का, क्या वो करना क्या आप जानते हो, अपना एग्जाम पहले दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, हाउ टू कीप काम, उसका मैं देखता हूँ। मुझे अगर टाइम मिला तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो आपके बेस्ट ऑफ लक के लिए बनाकर डाल दूंगा। और बाकी आपका जो एग्ज़ाम है वो तो आप जानते ही हैं, एग्ज़ाम कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो टाइम का तो बचा नहीं है, लेकिन डोंट बी पैनिक, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस इज़ द की, तो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।